नमस्कार दोस्तों, अभिनव ऑनलाइन क्लास रिंगस के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मैं सुनील कुमार मीणा एक बार फिर उपस्थित हूं आपके सामने भारतीय राजव्यवस्था को लेकर। पिछले वीडियो में हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स, और हमने उसकी पृष्ठभूमि देखी थी, मानवाधिकार देखा था, मौलिक अधिकारों का विश्व के संदर्भ में देखा था उसकी पृष्ठभूमि, और भारत के संदर्भ में हमने शुरू किया था और दो चार बातें की थी छोटी छोटी। फॉर एग्जांपल, मौलिक अधिकारों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में है, और हमने देखा था कि मौलिक अधिकार की जननी ब्रिटेन और मौलिक अधिकार भारत में अमेरिका से। एक हमने जो देखा था, जो हमने क्लास फिनिश की थी, मौलिक अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक और वाद योग्य, मैंने आपको क्लियर किया था। दोस्तों, रटना नहीं है, समझना है बात को। मौलिक अधिकारों की प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। इस बात को रटना नहीं, समझना है नकारात्मक है तो क्यों है, मैंने क्लियर किया था। बार बार जब हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो ऐसा आता है कि राज्य 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से बड़े कारखानों में काम नहीं करवा सकता, राज्य बाल श्रम नहीं ले सकता, राज्य ये नहीं कर सकता, राज्य वो नहीं कर सकता, मतलब राज्य को रोका जा रहा है। तो प्रकृति कैसी हो गई दोस्तों? नकारात्मक। आगे मैं कहूं, मौलिक अधिकार एक व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं, इसलिए इनकी प्रकृति कैसी है? नकारात्मक। एक मैंने कहा था ये वाद योग्य क्यों, तो मौलिक अधिकारों का जब हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हैं दोस्तों, इसलिए मौलिक अधिकार जो है वो वाद योग्य है। मैंने ये भी कहा था डीपीएसपी का चैप्टर जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मौलिक अधिकारों के बाद, हालांकि मौलिक अधिकारों का चैप्टर काफी लंबा है दोस्तों, वाइड है बहुत, और हम आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे डिटेल से। डीपीएसपी की प्रकृति मैंने बात की थी सकारात्मक और गैरवाद योग्य, और मैंने ये भी कहा था कि क्यों है इसकी प्रकृति सकारात्मक और गैरवाद योग्य, और मैंने तेज बहादुर सप्रू समिति का भी जिक्र किया था 1945 की जो थी, और तेज बहादुर सप्रू समिति ने ही ये कहा था कि एफआर वाद योग्य और डीपीएसपी गैरवाद योग्य। मैं बार बार कह रहा हूं दोस्तों, मैं शॉर्ट में एफआर बोलूं इसका मतलब है मौलिक अधिकार, और डीपीएसपी बोलूंगा इसका मतलब है नीति निदेशक तत्व, सॉरी राज्य के नीति निदेशक तत्व। दोस्तों, एक एक चीज का महत्व है, एक एक वर्ड का महत्व है। डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिक्रारा स्टेट मतलब पूरा नाम राज्य के नीति निदेशक तत्व। देखिए दोस्तों, आगे की चर्चा देखते हैं। मौलिक अधिकारों की मांग भारत में, भारत में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग कहां हुई, यहां से भी बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं और कैसे बन सकते हैं एक बार गौर कीजिएगा। देखिए 1895, एक जाना पहचाना सन, जानी पहचानी डेट जो बार बार आपके सामने घूमती है, और 1895 का स्वराज विधेयक, स्वराज विधेयक, आप ये भी जानते हैं स्वराज विधेयक किसने रखा, बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ। किसके निर्देशन में? बाल गंगाधर तिलक, गरम दल के नेता। बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में 1895 में स्वराज विधेयक तैयार हुआ, और सबसे पहले भारत में मौलिक अधिकारों की मांग किसमें हुई? स्वराज विधेयक में। लेकिन दोस्तों, यहां एक कंफ्यूज है। अगर आपको कहता है सीधा सीधा मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग, दैट टाइम आपका आंसर होगा 1895 का स्वराज विधेयक। लेकिन अगर आपको ये कहे कि मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम लिखित मांग, दोस्तों एक एक चीज को समझना है, पहली लिखित मांग जो हुई थी मौलिक अधिकारों की वह हुई थी नेहरू रिपोर्ट में, क्वेश्चन कंफ्यूज कर सकता है। कैसे आएगा प्रश्न? मौलिक अधिकारों की सर्वप्रथम मांग यह लिखित नहीं थी बल्कि मौखिक मांग थी, और किसके द्वारा की गई थी? स्वराज विधेयक में, बाल गंगाधर तिलक द्वारा 1895 में यह मौखिक मांग थी। अगर बात करें मौलिक अधिकारों की पहली लिखित मांग, तो नेहरू रिपोर्ट आप अच्छे से जानते हैं 1928, जिसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू और सचिव थे जवाहरलाल नेहरू। हालांकि जब मैं नेहरू रिपोर्ट की चर्चा करूंगा तो मैं डिटेल में इसकी चर्चा करूंगा आपके सामने, मैं सब चर्चा करूंगा, कब इसका गठन हुआ, कब ये प्रकाशित हुई, मई में इसका गठन हुआ, अगस्त में ये प्रकाशित हुई, क्या था इसके अंदर, नेहरू रिपोर्ट के अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी के लिए आप इतना देख लीजिए कि मौलिक अधिकारों की पहली लिखित मांग
1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से की गई। और दोस्तों आप ये भी जानते हैं नेहरू रिपोर्ट को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लूप्रिंट। अब आगे बात करते हैं, ये प्रश्न भी एक दो बार बन चुका है कॉम्पिटिशन में ब्लूप्रिंट वाला। देखिए एक बार फिर कह रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। मौलिक अधिकारों की प्रथम मांग स्वराज विधेयक बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार हुआ, मौखिक मांग थी। लिखित मांग नेहरू रिपोर्ट 1928 में, अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, सचिव थे जवाहरलाल नेहरू, जिसे भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। बात करता हूं दोस्तों आगे थोड़ा सा। देखिए इसके बाद 1931 कांग्रेस, ये प्रश्न भी बन चुका है दोस्तों। कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई? तो कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग कांग्रेस के 1931 के कराची अधिवेशन में की गई। दोस्तों कौन से अधिवेशन में? कराची अधिवेशन था दोस्तों कांग्रेस का 1931 का, जिसमें कांग्रेस ने सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों की मांग की। एक बात और कह दूं दोस्तों, इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सरदार पटेल साहब ने। किसने की थी? सरदार पटेल साहब, लौह पुरुष, जाना पहचाना नाम। देखिए कराची अधिवेशन, और एक और छोटा सा बिंदु और बता दूं, कांग्रेस का कराची अधिवेशन ही वो अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने यह कहा था, गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदा जीवित रहेगा। ये कांग्रेस के कराची अधिवेशन में ही गांधी जी ने यह नारा दिया था, ये कहा था। सरदार पटेल साहब ने अध्यक्षता की थी और कांग्रेस ने पहली मांग मौलिक अधिकारों की इसी में की थी। आगे बात करता हूं दोस्तों, एक और चीज देख लीजिए, गांधी जी का नाम आ गया, जिक्र आ गया, तो गांधी जी द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग कब की गई? तो दोस्तों एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, गांधी जी द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई कब की गई? 1931 में। आप अच्छे से जानते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, कौन सा? द्वितीय, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने भाग लिया था, आप जानते हैं अच्छे से। इस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने भी मौलिक अधिकारों की मांग की। इसके आगे बात करना चाहता हूं दोस्तों, मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं 1945 की तेज बहादुर सप्रू समिति के बारे में। एक बार फिर कह दूं, 1945 में तेज बहादुर सप्रू समिति द्वारा भी मौलिक अधिकारों की मांग की गई और कहा कि मौलिक अधिकार वाद योग्य एवं इनकी प्रकृति नकारात्मक। दोस्तों बात करना चाहता हूं थोड़ा सा आगे, ये था मांग मौलिक अधिकारों की। अब मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों आगे, आप अच्छे से जानते हैं हमने मौलिक अधिकारों की प्रकृति देखी, हमने मौलिक अधिकारों का बैकग्राउंड देखा। अब मैं बात करना चाहता हूं सीधे मौलिक अधिकारों के उल्लेख पे। देखिए मौलिक अधिकारों का उल्लेख हमने देख लिया भाग 3 अनुच्छेद 12-35 भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा। अब मैं बात करना चाहता हूं दोस्तों, एक बार मैं इनका डिवाइडेशन करना चाहता हूं कि कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे और वर्तमान में कितने हैं। आप अच्छे से जानते हैं मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। कितने दोस्तों? 7। वो 7 कौन से थे, एक बार उनकी चर्चा अपन कर लेते हैं 7 की क्रम से, उसके बाद अपन उनको अलग अलग डिवाइड करके पढ़ेंगे। पहला मौलिक अधिकार समानता का अधिकार। दोस्तों समानता का अधिकार का उल्लेख है अनुच्छेद 14-18। देखो दोस्तों एक बेसिक सा प्रश्न बताता हूं, जल्दबाजी में अक्सर गलतियां होती हैं। अनुच्छेद 14-18 हमें सीधा यह पूछ लिया जाए कि समानता के अधिकार से संबंधित भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो 14-4-18 जल्दबाजी नहीं करनी है दोस्तों। 14-4-18 होते हैं बात सही है, लेकिन 14 को काउंट नहीं किया हमने, 14-15-16-17-18 कुल कितने आर्टिकल हुए, 5, ऐसे भी ध्यान रखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए कुल कितने अनुच्छेद हैं, 5, किससे संबंधित? समानता के अधिकार से दोस्तों। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19-22। तीसरा डिटेल में चर्चा करेंगे अभी अपन, एक बार देख लेते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। किसके विरुद्ध दोस्तों? शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24। अगला दोस्तों
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कौन सा? धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 से 28। अगला दोस्तों, पांचवा, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, 29 से 30। अगला दोस्तों, छठा, संपत्ति का अधिकार, अनुच्छेद 31। और लास्ट दोस्तों, सातवां, जो सबसे महत्वपूर्ण है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे हम अधिकारों का अधिकार भी कहते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32। दोस्तों एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे नागरिकों को, जो आपके सामने हैं। समानता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29-30, संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार न होकर एक कानूनी अधिकार है दोस्तों। कैसा अधिकार है? कानूनी। अतः वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। अगर प्रश्न पूछे मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, दैट टाइम आपका आंसर होगा दोस्तों 7। और वर्तमान में भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, आपका आंसर होगा दोस्तों 6। और ऐसा क्यों, तो एक बार देखिए, यह जो संपत्ति का अधिकार है, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत, कौन सा दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया दोस्तों। कैसे अधिकार का? कानूनी अधिकार का दर्जा दे दिया। एवं इतना ही नहीं, यह भी याद रखना है कि वर्तमान में यह कहां उल्लेखित है, तो याद रखना दोस्तों, वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार के रूप में संविधान के भाग 12, कौन सा भाग दोस्तों? 12। और उसका अनुच्छेद कौन सा? अनुच्छेद 300 क दोस्तों, कौन सा? 300 क याद रहे दोस्तों। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं बल्कि एक विधिक अर्थात कानूनी अधिकार है, जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 क में है। 300 क में है। यह था, इसकी डिटेल से चर्चा करूंगा दोस्तों मैं। हमने देखा है अनुच्छेद 31, लेकिन अनुच्छेद 31 में भी सब क्लोज है दोस्तों, खंड है। 31 क है, 31 ख है, 31 ग है। मैं चर्चा करूंगा डिटेल से कि 31 क कब जुड़ा, 31 ख कब जुड़ा, 31 ग कब जुड़ा और 31 क ख घ में क्या उल्लेखित है, लेकिन वो कब? जब अनुच्छेद 31 हम पढ़ेंगे। ये था इसका बेसिक डिवाइडेशन कि मौलिक अधिकार कितने थे और वर्तमान में कितने हैं। अब मैं बात करना चाहता हूं एक एक आर्टिकल को लेकर। देखिए दोस्तों, पहला तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़े समानता का अधिकार। जी नहीं, समानता का अधिकार पढ़ने से पहले हमें दो अनुच्छेद देखने हैं दोस्तों, और वो दोनों बेहद इंपॉर्टेंट हैं, 12 और 13। कैसे इंपॉर्टेंट हैं? मैंने पहले ही कह दिया, अनुच्छेद 12 और अनुच्छेद 13 की डिटेल से चर्चा करनी है, और इनसे आजकल जो प्रश्न है वो बहुत गहराई से बनने लग गए हैं। एक मिनट दोस्तों, मैं पानी भी पी लेता हूं दोस्तों। थोड़ा थोड़ा पानी ले लेना चाहिए, जिससे गला तर रहता है, गीला रहता है गला। देखिए दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 12, और दोस्तों ध्यान से पढ़ना इस अनुच्छेद 12 को। अभी अभी हाल ही में आरपीएससी सेकंड ग्रेड में इसका प्रश्न आया था, सिंपल। देखिए सीधा सा, क्या है अनुच्छेद 12? तो अनुच्छेद 12 में लिखा हुआ है दोस्तों, राज्य की परिभाषा। दोस्तों क्या लिखा हुआ है? राज्य की परिभाषा। देखिए, एक सिंपल सी बात है, अगर आपसे यह पूछा जाए कि अनुच्छेद 12 में क्या उल्लेखित है, आप आंसर देंगे अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा उल्लेखित है। क्या उल्लेखित है? राज्य की परिभाषा। लेकिन आपके जहन में एक प्रश्न बन रहा होगा कि सर ये
राज्य की परिभाषा जो है ये क्या है, क्या क्या सम्मिलित होते हैं इसके अंदर, और इस राज्य की परिभाषा में भी एक आर्टिकल और आता है डीपीएसपी में, उसकी भी मैं चर्चा करूंगा। एक बार मैं इसको क्लियर कर देता हूं। देखो दोस्तों, राज्य की परिभाषा में क्या आता है, सिंपल सा है, बिल्कुल ध्यान से देखना, संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। देखिए दोस्तों, संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, आगे मैं क्या बोल रहा हूं जरा गौर से सुनिएगा दोस्तों, संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार एवं, क्या बोल रहा हूं दोस्तों, एवं वे सभी संस्थाएं जिनमें सरकार की भागीदारी है, अर्थात सरकार की पार्टनरशिप है और या फिर वो सरकार के लिए कार्यरत हैं, वो सभी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित होंगी। दोस्तों ध्यान से सुनना, संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें एवं वे सभी संस्थाएं जो सरकार के लिए कार्य करती हैं, वो सब राज्य की परिभाषा में सम्मिलित होंगे। और एक बात और कह दूं दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल, कंपनियों के नाम सुने आपने, कोई ONGC है, NTPC है, गेल इंडिया है, भैल इंडिया है, ये जब जो सारी कंपनियां हैं, ये सारी कंपनियां भी दोस्तों राज्य की परिभाषा में शामिल होंगे, क्योंकि ये राज्य के लिए कार्यरत है, ये सरकार के लिए कार्यरत है। और एक बात कह दूं दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में मैं देश को राज्य शब्द कहकर संबोधित कर सकता हूं, कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है। LIC का नाम आपने सुना है, LIC भी राज्य की परिभाषा में है। BCCI का नाम आपने सुना है क्रिकेट के लिए इंडिया में, तो BCCI भी राज्य की परिभाषा में है। एटलीस्ट ये भी कह दूं दोस्तों, लगभग 2017-18 के आसपास की बात है, शायद 2017-18 में भारत का जो विधि आयोग है, भारत के विधि आयोग ने ये BCCI के संबंध में एक पत्र जारी किया था और ये कहा था कि BCCI भी विधि की परिभाषा में सम्मिलित है और BCCI को भी RTI एक्ट के तहत सूचना देनी चाहिए, अर्थात BCCI भी अपने राज्य की परिभाषा में सम्मिलित होगे। एक बात और बता दूं दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार ऐसी इकाइयां, ऐसी निजी संस्थाएं जो सरकार के लिए कार्यरत हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार निजी संस्थाएं और ऐसी इकाइयां जो सरकार के लिए कार्यरत हैं, वो भी राज्य शब्द की परिभाषा में सम्मिलित होंगी। ये बात ध्यान रहे दोस्तों। एक बात और क्लियर कर दूं दोस्तों, हमेशा दिमाग में कंसेप्ट क्लियर रखना, भारतीय संविधान कैसा है, तो सीधा सीधा इसका आंसर है, जैसा सुप्रीम कोर्ट कहता है वैसा है, अर्थात संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसके पास है, आंसर होगा दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। क्या होगा दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। अक्सर ऐसा प्रश्न बन जाता है व्यवहारिक पक्ष का सीधा सीधा कि भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याकार या अंतिम संरक्षक, तो हमारा आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। मैं मेरे शब्दों में कहूं तो भारतीय संविधान कैसा है, आप कहेंगे दोस्तों जैसा सुप्रीम कोर्ट कहता है वैसा है। इज दैट क्लियर दोस्तों, बात करना चाहता हूं थोड़ा सा आगे। ये था राज्य। अब दोस्तों मैं यहां से एक प्रश्न बनाना चाह रहा हूं कि प्रश्न कैसे कंफ्यूज कर सकता है आपको, जरा प्रश्न की प्रकृति देखना दोस्तों। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आपने जो पढ़ा है क्या उसका व्यवहारिक पक्ष आपने मनन किया है, उसके ऊपर थियोरेटिकल से ज्यादा है व्यवहारिक पक्ष, आपने कितनी उसकी प्रैक्टिस की है, यह उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है। फॉर एग्जाम्पल, आपने डीपीएसपी के अंतर्गत एक अनुच्छेद देखा होगा, अनुच्छेद 36। मान लीजिए सिंपल सा क्वेश्चन बन जाए, राज्य शब्द की परिभाषा उल्लेखित है, ऑप्शन आ गए 12, 13, 35, 36, आपका आंसर होगा दोस्तों 12। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रहे, यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन के ऑप्शन अगर चेंज करता है तो आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है जरा गौर कीजिएगा। ऑप्शन नंबर एक क्वेश्चन सेम है, राज्य शब्द की परिभाषा उल्लेखित है, ऑप्शन नंबर ए 12, ब 36, स मान लीजिए स 13, ऑप्शन नंबर द ए व ब दोनों। दोस्तों ध्यान रहे, इस स्थिति में आंसर आएगा द, ए व ब दोनों। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, तो दोस्तों याद रहे अनुच्छेद 36 भी राज्य की परिभाषा उल्लेखित है। लेकिन अब आप मेरे को यह कहेंगे कि सर
अगर अनुच्छेद 36 में भी राज्य की परिभाषा उल्लेखित है, दोस्तों ध्यान से देखिएगा प्रश्न कितना बढ़िया बन सकता है कि सर अभी आपने पहला क्वेश्चन पुटअप किया, राज्य की परिभाषा उल्लेखित है, ऑप्शन थे 12, 13, 35, 36, तो आपने 12 क्यों पिक किया? जब 36 में भी राज्य की परिभाषा है तो क्या हम 36 पिक नहीं कर सकते? दोस्तों हमें 12 ही पिक करना है। तो बोले सर रीजन दे दीजिए हम 12 पिक क्यों करें, 36 क्यों नहीं करें? तो दोस्तों सुन लीजिए क्यों करें। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा उल्लेखित करता है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मैंने अभी क्लियर किया था, संघ सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकारें एवं वे सभी संस्थाएं जो सरकार के लिए कार्यरत हैं वो सभी राज्य की परिभाषा में सम्मिलित है। लेकिन दोस्तों अनुच्छेद 36 में ये लिखा हुआ नहीं है, अनुच्छेद 36 में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि यहां राज्य शब्द का वही अर्थ होगा जो भाग 3 के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत है, अर्थात अनुच्छेद 36 में क्लियर परिभाषा राज्य की लिखी हुई नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 12 वाली बात को रिपीट किया गया है। इसलिए दोस्तों ध्यान रहे हमें यहां से आंसर पिक करना है अनुच्छेद 12, जब 12 और 36 में से पिक करना है। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आने वाले एग्जाम्स के लिए, पिक करना है तो 12 और कूट लेखन कूट वाचन है तो 12 एवं 36 दोनों। आशा करता हूं दोस्तों ये 12 और 36 का जो चक्र है ये आपके समझ में आया होगा। अब आगे बात करता हूं थोड़ी सी, ये तो थी अनुच्छेद 12 की बात, राज्य की परिभाषा। दोस्तों एक छोटी सी बात और है, राज्य की परिभाषा हमने देखी, 12 हमने देखा, 36 हमने देखा, 12 को पिक क्यों करना है, 36 को क्यों नहीं करना वो हमने देखा, कूट लेखन और कूट वाचन का प्रश्न आएगा तो 12 और 36 दोनों को पिक करना है ये हमने देखा। अब मैं दोस्तों एक छोटी सी बात पे चर्चा और करना चाहता हूं और वो चर्चा ये है दोस्तों, पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जिसको करंट के साथ आपको जोड़ना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप निश्चित रूप से पॉलिटिकल साइंस में अच्छा स्कोर करें तो उसके लिए जरूरी है दोस्तों अपने नॉलेज को करंट के साथ जोड़ना। करंट की जो घटनाएं चल रही हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़िए, अपनी बुक्स के अंदर जो आर्टिकल्स वगैरह आपने लिखे हैं उन आर्टिकलों को वर्तमान की घटनाओं के साथ जोड़िए कि किस आर्टिकल का संबंध किस घटना से हो सकता है। दोस्तों मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं आप निश्चित रूप से पॉलिटिकल साइंस में एक अच्छा स्कोर करेंगे और मैं सुनील कुमार आपके साथ लगातार जुड़ा रहूंगा इन क्लासों को लेकर, और जो भी करंट की घटना होगी जिसका किसी भी भारतीय राज्य व्यवस्था से कोई संबंध होगा मैं उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, कंटिन्यू रखिए, लॉकडाउन की इस अवधि में कोविड-19 जो एक वैश्विक महामारी है उस दौरान हमें अपनी पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने देना है। निश्चित रहिए दोस्तों, कई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि पता नहीं एग्जाम्स कब होंगे, दोस्तों याद रहे एग्जाम होनी ही है, आज नहीं तो कल तैयारी कंटिन्यू रखनी है, बीच में अपना रिदम ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं अगर रिदम ब्रेक हुआ तो फिर वो रिदम वापस आने में समय लगता है और इतने दिनों में हमारी एग्जाम शायद कंडक्ट हो जाए तो हम अच्छी तैयारी करने के बावजूद ही पीछे रह सकते हैं। जुड़े रहिए दोस्तों अभिनव ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पर, मैं सुनील कुमार एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।